हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में देखिए पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो ये कई मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जॉइंट होती हैं और इस लिंकेज को हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं अब पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो ये एक तरह के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम प्लांट से ऑप्टेन करते हैं और प्लांट्स इनको टू और वाटर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं अब पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो ये कलरलेस और टेस्टलेस एमोरफस पाउडर्स होते हैं मीन्स ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर, एल्कोहल और इथर तीनों में इनसॉल्युबल होते हैं अब पॉलीसेकेराइड के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन होती हैं। अब पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले बात करेंगे स्टार्च इस की इसको हम एमआई लंबी कहते हैं और ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब स्टार्च की बात करें तो ये ह्यूमन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स होता है और मेनली सीड्स रूट्स और ट्यूबर्स में फाउंड होता है इसके अलावा अगर स्टार्च की मोस्ट एडिबल फॉर्म्स की बात करें तो वो हो जाएगी व्हीट राइस पोटेटोज एंड कॉर्न्स और स्टार्च डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है अब बात करते हैं स्टार्च की प्रॉपर्टीज की तो देखिए स्टार्च वाटर में होता है लेकिन अगर हम स्टार्च और वाटर के सस्पेंशन को हीट करते हैं तो स्टार्च ग्रेन स्वेल हो जाते हैं और बस्ट होकर वाटर के साथ एक पेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं अब देखिए स्टार्च की बात करें तो ये नॉन रिड्यूसिंग पॉलीसेकेराइड होता है इसलिए ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है और ऑसेजॉन का फॉर्मेशन भी नहीं करता है अब स्टार्च की बात करें तो इसको हम दो फ्रैक्शन ए और बी में सेपरेट कर सकते हैं इसके लिए हम स्टार्च और वाटर को इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो एक कोलोडल सॉल्यूशन बनता है इस कॉलोडल सॉल्यूशन में वन ब्यूटेनॉल ऐड करके इसको कूल करते हैं तो इससे एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो हम उस मिक्सर को फिल्टर करेंगे तो प्रेसिपिटेट और फिल्ट्रेट सेपरेट हो जाएगा जो प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम कहेंगे फ्रैक्शन ए या इसको हम एमाइलोज कहते हैं और ये स्टार्च का 20 परसेंट पोर्सन होता है फिर फिल्ट्रेट के रिएक्शन जब मिथेनॉल के साथ करवाते हैं तो एक प्रेसिपिटेट और बनेगा तो इस प्रेसिपिटेट को हम फ्रैक्शन बी या एमाइलोपेक्टिन कहेंगे और ये स्टार्च का 80% होता है। अब और एमाइलोपेक्टिन दोनों की बात करें तो ये हाई मोलिकुलर वेट के डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लेकिन इनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है अब हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो ये दोनों हाइड्रोलाइसिस करने पर डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं अब अगर इनका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कंट्रोल्ड कंडीशन में करते हैं या इसका एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये लो मोलिकुलर वेट पॉलीसेकेराइड डेक्सट्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं ये डेक्सट्रीन माल्टोज में कन्वर्ट होगा और माल्टोज फाइनली डी प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा अब बात करते हैं एमाइलोज के स्ट्रक्चर की तो देखिए एमाइलोज की बात करें तो इसमें कई सारी एल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स एल्फा लिंकेज के थ्रू चेन फॉर्म में कनेक्ट होती हैं और इस एल्फा लिंकेज की बात करें तो इसको हम वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं क्योंकि यहां पर जो लिंकेज हो रहा है उसमें एक यूनिट का C1 कार्बन और दूसरे यूनिट का C4 कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं अब बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर की तो इसमें देखिए जो अल्फा ग्लूकोज की लॉन्ग चेन होती है उसमें क्रॉस लिंकिंग भी होती है अब चेन में जो लिंकेज हो रहा है उसको हम वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे और ब्रांच फॉर्मेशन या क्रॉस लिंकिंग में जो लिंकेज हो रहा है उसको हम वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे क्योंकि इसमें एक यूनिट का पहला कार्बन और दूसरे यूनिट का सिक्स कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब बात करते हैं स्टार्च के यूज की तो इसका यूज कैंडी स्वीट्स, ग्लूकोज और एल्कोहल की प्रिपरेशन में किया जाता है अब अगर कॉर्न स्टार्च का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कॉर्न सिरप का फॉर्मेशन होता है और कॉर्न सिरप की बात करें तो ये डिफरेंट चेन लेंथ के कार्बोहाइड्रेट्स माल्टोज और ग्लूकोज का एक मिक्सचर होता है इसके अलावा स्टार्च कई सारे फूड्स का एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है इसके अलावा स्टार्च का यूज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में एज एन इंडिकेटर किया जाता है और पेपर और टेक्सटाइल की साइजिंग और स्टिफनिंग में भी स्टार्च का यूज किया जाता है